कहा, हमने कोई ओटीपी नहीं बताया, हम पे करीब 15-16 ओटीपी आए, उसके बावजूद हमारा खाता खाली हो गया। आपको याद होगा पहले ये लोग कस्टमर केयर का नंबर बदल दिया करते थे गूगल पे और पॉइजनिंग कर देते थे और हम गलत आदमी से कनेक्ट होते थे, तो वो हमको एक स्क्रीन शेयरिंग ऐप डाउनलोड कराते थे, राइट, एनी डेस्क। अभी भी कुछ हो रहा है थोड़ा बहुत, लेकिन कई बैंकों ने उसपे बहुत सख्त सुरक्षा कर दी। अगर आपके फोन पे एनी डेस्क चल रहा है तो आप अपने फोन पे अपना मोबाइल बैंकिंग ऐप चला ही नहीं सकते, वो चलेगा ही नहीं, मना कर देगा, वो देख लेगा, वो कहेगा ऐप आपके फोन में स्क्रीन शेयरिंग चल रहा है, यू आर नॉट अलाउड, आपके साथ फ्रॉड हो सकता है। उन्होंने एक नया ऐप ढूंढ लिया, और ऐप क्या ढूंढ लिया, अब तो वो आपके फोन में एपीके फाइल भेज देते हैं। एपीके फाइल को कहते हैं पैकेज फाइल, मतलब जिसमें कोडिंग होती है ऐप की, तो प्ले स्टोर पे तो डाल नहीं सकते बदमाश, तो वो आपको डायरेक्ट फाइल कहते हैं कि साहब ये ऑनलाइन बुकिंग का फॉर्म है, आप इसे डाउनलोड कर लीजिए ऐप को। जैसे आप वो एपीके डाउनलोड करोगे, उसमें एक नई चीज इंस्टॉल हो जाएगी जिसको कहते हैं एसएमएस फॉरवर्डर। आप पे जितने भी इनकमिंग एसएमएस हिट होंगे वो ऑटोमेटिकली किस पे चले जाएंगे, हैकर के पास। आप नहीं बताओगे अपना ओटीपी, लेकिन आपके ओटीपी उसके पास पहुंच जाएंगे। तो जैसे मैं किसी अनजान आदमी को अपने घर ना घुसने देता हूँ, ना अंदर बुलाता हूँ, दरवाजे से ही भगा देता हूँ, इसी प्रकार से मैं किसी अनजान ऐप को अपने फोन में इंस्टॉल नहीं करूंगा।